హై వ్యూయర్స్ వైజాగ్ విజన్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మా ఛానల్ అందిస్తున్న జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయి వార్తా విశేషాలు నోటిఫికేషన్స్ కోసం ఇక్కడ కనిపిస్తున్న బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయండి पचपन एकड़ जमीन है और 75 करोड़ की लागत है तो जनरेशन कैपेसिटी 1 मेगावाट का है पर अवर। अच्छा सोलार का बारे में आप लोग जानते हैं वो फोटोवोल्टिक सेल है वो डीसी करंट जनरेशन होगा बैटरी में जमा कर इन्वर्टर लगाकर अल्टरनेटिंग करंट में परिवर्तन किया जाता है दुनिया में ऑलरेडी है ये जो है नया सिस्टम है ये सिंपल मिरर लगी हुई है एक एक डिश का मिरर का क्षेत्र है 60 स्क्वायर मीटर एरिया तो ये डिश सूरज अभिमुख होकर घूमने के लिए पीछे साइड में गियर सिस्टम बनाएगा गियर 5 गियर है गियर को घुमाने के लिए 24 वोल्ट्स की डीसी मोटर जोड़ दिया उसमें मोटरों को ऑपरेट करने के लिए हर एक रिफ्लेक्टर का बीच में एक सेंसर विथ कैमरा बिठाया गया सेंसर द्वारा कमांडमेंट है कंप्यूटराइज्ड किया गया है इसको टोटली 770 पैराबोलिक सोलर रिफ्लेक्टर्स हैं हर एक का सामने एक कैविटी रिसीवर 770 वो भी है अच्छा ए बी सी डी डब्ल्यू तक 23 लाइन्स आई है एक एक लाइन में 15 से लेकर 35 तक रिसीवर को सीरीज में जोड़ा गया है तो मेरा हाथ देखिए ये पूर्व की दिशा ये पश्चिम की दिशा पूर्व से जब सूरज निकलेगा 770 रिफ्लेक्टर भी सूरज अभिमुख होकर घूमते रहेंगे तब तक शीशे पर किरणें पड़ेंगे किरणों का जब रिफ्लेक्शन निकलेगा शीशे से वो 60 स्क्वायर मीटर रिफ्लेक्शन को बीच का सेंसर विथ कैमरा सामने रखा हुआ कैविटी रिसीवर पे कॉन्स्टेंटेशन कर देंगे कॉन्वेक्स ग्लास पर वहाँ 1000 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड हीट एनर्जी क्रिएशन होता है हीट एनर्जी को ऑब्जर्व करके 250 से लेकर 500 डिग्री तक हीट एनर्जी को स्टोर कर लेगा वो अंदर का ड्रम 3 टन वेट का एक ड्रम है फिर वो ड्रम पर पाइपलाइन लपटा हुआ हीट ट्रांसफर पाइपलाइन में पानी को शुद्ध बनाकर पानी पंप कर देते हैं पानी अंदर जाके गर्मी से स्टीम बनेगा वही स्टीम दूसरे रिसीवर में जाएगा उसका टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते लास्ट रिसीवर में सुपर हीटेड स्टीम आ जाएगा 23 लाइंस का सुपर हीटेड स्टीम को इकट्ठा करके टर्बाइन को छोड़ेंगे टर्बाइन के साथ विद्युत जनक जुड़ा हुआ है 11,000 वोल्ट्स 3 फेज सप्लाई के ऑल्टरनेटिंग करंट के जनरेटर का